नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीएससी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। प्रतापगढ़ के सदर बाजार में कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों और आमजन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से जुर्माना राशि वसूल की गई है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने बताया कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दूसरे चरण के तहत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 4 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की गई। मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के तहत व्यापारियों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना और मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन बाजारों में अनावश्यक भीड़ और व्यापारियों द्वारा कोरोना संक्रमण की गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने के कारण संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ रहा था। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकेश मीणा, कोतवाली थाना अधिकारी मदनलाल खटीक सहित पुलिस कर्मियों और क्विक रिस्पॉन्स टीम के जवान शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन से मास्क लगाने की लगातार अपील की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय के निर्देशानुसार आज बाजार में देखते हुए आमजन की जो भीड़ है उसको देखते हुए चालान बनाने की कार्रवाई की गई, जिसमें बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के अंतर्गत लगभग 2 दर्जन चालान बनाए गए हैं। इस कार्रवाई में डिप्टी साहब और सीए साहब साथ मौजूद हैं। कोविड को मद्देनजर रखते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जिला प्रशासन के द्वारा जारी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।